हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। और आ चुका हूं मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। मेरे सामने जुड़ी हैं दो बहुत ही औसम बाइक्स, एक है आपकी 200 सीसी की आरसी और दूसरी है आपकी 200 सीसी की आरएस। काफ़ी एक जैसे नाम है ना, इंजन भी काफ़ी एक जैसे हैं दोनों कंपनियां ही। मतलब स्टार्टिंग में तो भाई KTM की बाइक्स जो थी उसको भी बजाज की कंपनी यहाँ पर मतलब लॉन्च करती थी, बट अब तो अलग अलग मामला हो चुका है दोनों का। मतलब लखनऊ में तो अलग मामला हो चुका है, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं। तो दोनों 200 सीसी की बाइक्स हैं, दोनों फेयर्ड बाइक हैं और दोनों के लुक्स अपने अपनी तरफ देखो तो भाई किसी को ये पसंद आएगी, किसी को ये पसंद आएगी। और इस गाड़ी के बारे में मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ कि भाई ये गाड़ी चल चुकी है 85,000 प्लस। मतलब आप समझ रहे हो, 85,000 से ज़्यादा इस गाड़ी को चला चुके हैं, टूर किया है, ड्रैग रेस किया है, उसके बाद भी ये गाड़ी भाई चमचमा रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो अब ड्रैग रेस करने वाले हैं, साथ में जुड़ चुके हैं हमारे साथ द UP46 राइडर अविनाश भाई। उन्हीं की है आरएस 200 सीसी और ये पहले चलाएंगे आरएस, मैं चलाऊंगा आरसी। तो स्टार्ट करते हैं रेस। और देखिए इनिशियल में आगे निकलते हुए आरसी इनिशियल में आगे निकलते हुए और ये आरएस अब थोड़ा थोड़ा आगे निकल रही है भाई। टो टू टो चल रहा है मुकाबला। बसता नहीं है इस गाड़ी में, तो ये हमारे नेविगेटर भाई साहब। तो ये थी रेस। तो भाई लिमिटर जो है वो बहुत ख़राब चीज़ है भाई। स्टार्टिंग में इसने लीड पकड़ी और आगे भी निकल गई इनिशियल में, 19-20 वाली बात रही, लेकिन भाई साहब इसका जो लिमिटर है यार, क्या बैक मारता है यार। मतलब जो लिमिटर अगर ना आता तो शायद ये दोनों, मतलब शायद आरसी और ये दोनों आरएस जो है वो बराबर डिस्टेंस पर रहती है, थोड़ी सी पीछे रहती, थोड़ी सी आगे रहती है, वो डिस्टेंस मेंटेन करके चलते। बट इसकी लिमिटर ने जो बैक मारना शुरू किया है ना, वहाँ पर आरएस ने लीड ले ली, लेकिन भाई हेड्स ऑफ है
यार 85,000 चल चुकी है गाड़ी, कितने साल पुरानी है? 2016 मॉडल, 5 साल पुरानी, 85,000+ चल चुकी गाड़ी। और भाई ब्रांड न्यू 200cc RC को इसने हरा दिया है। और थम्स अप। अब हम लोग राइडर करेंगे चेंज, मैं चलाऊंगा आपकी RS और अविनाश भाई चलाएंगे आपकी RC। देख रहे हैं पावर RC की आप? पावर तो देख रहा हूँ मैं, इसकी ज्यादा देख रहा हूँ। RS की पावर देखिए, अरे वो 650cc है भाई। क्या बोलूं अब, क्या ही बोलोगे 650cc में? मीटर आ जाता वरना हारती थोड़ी ना। गियर डाउन कर लीजिएगा, पहले गियर डाउन कर लीजिएगा। डाउन है आरसी में, लिमिटर आता है ना, आरसी कहीं हार सकती है। हाँ अभी अभी हारी। और ये देखिए, ओहो आरसी आगे निकलती हुई, बट कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल थोड़ा सा अच्छा है आरसी का, बट अभी जब RS निकलेगी और आरसी का जब आएगा लिमिटर तब आएगी मजा। और ये देखिए RS लीड इस समय RC बना रही है और डिस्टेंस जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे डिस्टेंस कम होगा, अब होगा डिस्टेंस कम। और अब देखिए अब RS आगे निकलना शुरू कर रही है, डिस्टेंस कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा लीड ले रहा हूँ मैं, धीरे धीरे मैं RC के पास आ रहा हूँ। अब भाई ये आप देखिए 147 चल रहा है और RC का लिमिटर आ रहा होगा, फिर हमें RC का लिमिटर आ रहा होगा। अरे भाई कर दे पीछे RC को, कर दे पीछे RS, एक 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 रेस अभी अभी तुमने जीता है, दूसरी रेस में नाक नहीं कटानी है। और ये देखिए आ रही है RS आगे, डिस्टेंस हो रहा है थोड़ा कम, थोड़ा वेट का एडवांटेज मिल रहा है भाई को, क्योंकि वो है 70 मैं हूँ 80, बट उसके बाद भी रेस का एडवांटेज कितनी देर चलेगा, रेस होने वाली है ख़त्म और मैं निकलूँगा आगे यहाँ पे। निकल जा कमान, निकल जा भाई। ये RS निकल चुकी है आगे भाई, रेस के एंड में RS में बढ़के है निकले आगे, एकदम एंड पे रेस, रेस के एकदम एंड पे RS निकली है आगे। अब हम जाएंगे दूसरी तरफ, आइए करते हैं स्विच। भाई आपने देखा कि लॉन्ग रेस में RS RC को कर देती है पीछे, तो भाई नतीजा ये निकलता है कि RS को अगर निकलना है आगे तो वेट करना होगा थोड़ी देर लिमिटर का। RC का लिमिटर है बहुत ही बेकार भाई, क्या बैक मारता है, और जैसे ही RC का लिमिटर बैक मारना शुरू करता है वहाँ पे टेक ऑफ करती है RS। उससे पहले भी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मतलब 19-20 वाला ही अंतर रहता है यार, काफ़ी देर 19-20 में हम लोग ने चलाई। तो ये थे रिजल्ट, विनर रही है RS और सेकंड पोजीशन पे आपकी रही है RC 200। सोशल मीडिया हैंडल मेरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ, कौन सा नेक्स्ट व्लॉग मेरा आने वाला है। कोई अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं स्पेशल वीडियो शूट करूँ तो वहाँ पर आप मुझे बोल भी सकते हो, डेफिनेटली पूरी कोशिश है कि मेरी कि मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ। व्लॉग को करते हैं इसी के साथ ख़त्म, वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। भाई साहब मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जैसे जैसे चैनल को जितने लोग सब्सक्राइब करते जाओगे मुझे लगेगा वो सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो को करता हूँ एंड, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।